को संबोधन करके सारे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक मानव जब ये माने श्री स्वामी जी महाराज की वाणी कि मैं अर्जुन हूं, मुझे ही भगवान आदेश कर रहे हैं, मैं ही भगवान का परम प्यारा शिष्य हूं, मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे अंधकार से बाहर निकालने के लिए सत के ज्ञान के साथ मेरा भीतर प्रकाशित भगवान स्वयं कर रहे हैं, मुझे अपने जीवन में क्या करना उचित अथवा अनुचित है इसका ज्ञान भगवान मुझे दे रहे हैं। 35वें श्लोक तक कल हमने पाठ किया था, जिसमें भगवान ने कहा था कि बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे। अब अर्जुन ना तो डरपोक है, ना किसी प्रकार का उसे भय है, परंतु बड़े सेनापति भगवान कह रहे हैं वह यह नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है, जिनमें तू सम्मान पा चुका है, जिनमें तू सम्मान पा चुका है, तेरी वीर गाथा कौन नहीं जानता और तेरी वीर गाथा को आज भी सभी जो बड़े बड़े सेनापति हैं वे तेरी वीर गाथा को गाते हैं, उदाहरण देते हैं अर्जुन का। हे अर्जुन, तू ही था जो खांडव वन जलाकर अग्नि को तूने प्रसन्न किया था, तू ही था जिसने तमाम वीरों को हरा करके द्रुपद राजा के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, राजा विराट के यहां रहकर कौरवों को मुक्त करवाया था और विराट की गौओं को बचाया था, और अनेक ऐसे तूने युद्ध किए हैं अकेला, दस दस हजार सैनिकों को तू परास्त कर चुका है, ये जो तेरी कीर्ति है इसको सब भूल जाएंगे, एक क्षण में ये तेरी कीर्ति अर्जित की हुई मिट्टी में मिल जाएगी। अब इसके विपरीत क्या होगा? अब इसके विपरीत होगा सभी तेरे को कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, युद्ध में भाग जाना और डर गया इत्यादि नामों से तुझे जाना जावेगा। इस प्रकार तू अपने नाम के साथ कलंक लगा लेगा, जिनमें तू सम्मान पा चुका है उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा, वे तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे, तुच्छ इतना कि सम्मानित मनुष्य जिन शब्दों को अपनी जीभा पर नहीं लेकर आना चाहते, बुरा मानते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं कि हमारे मुख में यह शब्द उचित नहीं देते, उन शब्दों को बोलना बड़ा हीन मानते हैं, ग्लानी होती है ऐसे शब्दों से बोलने के लिए। वह जो सम्माननीय मनुष्य बोलना नहीं चाहते, तेरे शत्रु तेरे मुंह पर बोलेंगे।
वह अनुचित शब्द तेरे को सुनने, वह भी शत्रुओं के मुख से, यह तेरे लिए मरने से बढ़कर दुखदाई हो जावेगा। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा? निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। अर्जुन एक सच्चा वीर है, योद्धा है। कौरवों में अर्जुन का जो सामना कर पावे, दुर्योधन के खेमे में एक भी योद्धा ऐसा नहीं है। निस्संदेह भीष्म पितामह है, कर्ण है, युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य है। परंतु अर्जुन जितना योद्धा वीर है कोई भी एक ऐसा नहीं है जो अर्जुन का सामना कर पावे, सामने खड़ा भी रह पावे, उसकी बराबरी कर सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आज तूने इतने बड़े बड़े काम इससे पहले किए हैं, सम्मुख खड़े तमाम वीरों के मनों में तूने धाक जमाई हुई है, वह सब धूली में मिल जाएगी। यदि तू इस समय युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति सदा के लिए मिट जावेगी और अपयश लोग जानने लगेंगे और कहने लगेंगे। अब भगवान उसे उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को कि तू धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर, जिस प्रकार माता पिता जब बच्चा धैर्य खो बैठता है किसी हानि के कारण, कारोबार में, कामकाज में अगर कोई हानि हो जावे, धैर्य खो बैठता है कि मैं आगे को काम नहीं करूंगा, तो माता पिता यही कहते हैं जो हो गया वह तो हो ही गया, अब उसकी तू चिंता क्यों करता है? तू खड़ा हो, मन को डावाडोल ना कर, धैर्य रख, सफलता तेरी अवश्य होगी। वही बच्चा जो डावाडोल हो चुका होता है, माता पिता उसे उसके आत्मबल को वह खड़ा कर देते हैं। और बच्चा जिस प्रकार कहता है हां मैं अब पूरी मेहनत से काम करूंगा और बुद्धि युक्त होकर क्या अनुचित क्या उचित इसका मैं ध्यान रखते हुए मैं कार्य अब करूंगा। अब वह नए सिरे से कार्य करता है, पुरानी हानि वह नुकसान उसकी भी भरपाई कर लेता है। अगर वहीं पर छोड़ देवे तो असहाय निंदनीय असफल जीवन भर कहलाता है। यहां तक कहा जाता है ये तो निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाता। यह साधारणतः मानव के जीवन में ये बातें भगवान कह रहा है। तेरे सम्मुख कठिनाइयां आएंगी, तेरे सम्मुख बाधा विघ्न आएंगे, उनसे हारना नहीं, हथियार नहीं डालने, उनका सामना करना। गीता का सार इस लौकिक जीवन में
किस प्रकार से रहना है, इसका वर्णन भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की काल का कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया, अब क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का सार है, तो अर्जुन ने यहां पर भगवान से प्रश्न कर दिया था, हे भगवान, आप मुझे बार बार कह रहे हैं अपना धनुष उठा। निस्संदेह अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे गांडव का अपमान करेगा उसको तो मैं इस धरती पर जीवित नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वह इसकी पूजा करता है अपने इस शस्त्र की। अगर वह सम्मुख निंदा करेंगे तो मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अगर तू इस धर्म में संग्राम से भागेगा तो तेरी बहुत बड़ा जो सम्मुख खड़े हैं तेरी निंदा करेंगे। अब अर्जुन कहता है, हे भगवान, वह भी योद्धा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह हम पर विजय हासिल कर लेवे और मैं इस रण क्षेत्र में मारा जाऊं। तब क्या परिस्थिति होगी? हे कुंती पुत्र, भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का यह प्रश्न, अगर मैं मारा गया, हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू